Hey guys, welcome back to my channel. Finally, after 5 months, हम जा रहे हैं कहीं घूमने एंड दैट टू हम दोनों ही और काफी टाइम बाद हम अकेले जा रहे हैं. अकेले इन द सेंस कि फैमिली के साथ नहीं जा रहे हैं. और लास्ट टाइम हम राजस्थान गए थे लास्ट ईयर फेब में, जिसके बाद लॉकडाउन लग गया था. और उसके बाद सीधा अब जा रहे हैं हम दोनों अकेले. तो अकेले जाने का भी एक अलग ही मजा होता है. सो द पॉइंट इज वी आर गोइंग फॉर अ वेकेशन. I'm so happy, so relaxed. तो अभी बीच में हम ऐसे रुक गए हैं, पेट्रोल वगैरह भरवाना था. तो अभी हम हैं मूर्थल पहुंचे हैं. 4 बजे निकल गए थे हम. ऑलमोस्ट सनराइज हो गया है. तुम हाय. हेलो. तो फाइनली वी आर गोइंग फॉर वेकेशन. हाँ, एक चीज बतानी थी मुझे कि बीच में जो था रूट डाइवर्ट था बिकॉज ऑफ किसान वाला जो आंदोलन चल रहा था, तो उसकी वजह से हमको अंदर अंदर से आना पड़ा. अगर आप हिमाचल जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आप आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा लेके चलना. वैसे ईस्ट पेरिफेरल से भी हम निकल सकते थे बट वो और लंबा पड़ रहा था, तो हमने सोचा कि यहीं से निकल लेते. किसान वगैरह पूरे रास्ते में ही थे, उन्होंने अपना एक तरीके से घर ही बना लिया, बस्ती ही बना ली है. तो ऐसा नहीं है कि वो रास्ते में आपका रास्ता रोक के खड़े हो या फिर ट्रैफिक हो रहा है. मतलब अभी तो नहीं था मॉर्निंग के टाइम पे, दिन में पता नहीं क्या माहौल होता होगा, आई डोंट नो. तो वो अपना सो के मतलब उठे ही थे, शायद हम 5 बजे करीब वहाँ पहुँच गए थे. फिर उसके बाद हम अंदर अंदर से हमने रास्ता लिया और फाइनली अब 6 बज गए हम हाईवे पे पहुँच गए हैं. सो या वहाँ से तो हम निकल गए. तो बीच में कहीं खाएंगे पिएंगे तो तब मैं मिलती हूँ आपको दोबारा. Hi, so we reached in our hotel and actually we are not in Shimla right now. We are in Kasauli. Due to some reasons, late ho gaya tha aur traffic ki wajah se keh lo ya phir kisi bhi wajah se keh lo. To Shimla pahunchte pahunchte humko 1-2 baj jate, to isliye humne socha ki why not staying nearby Shimla. और कल फिर सुबह हम शिमला भी घूम सकते हैं और उसके बाद हमें आगे जाना है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं. सो वी डिसाइडेड टू स्टे इन कसौली एंड या आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन बिकॉज शिमला इज़ वेरी कंजस्टेड, यू ऑल नो. सो कसौली इज़ वेरी काम प्लेस. और हमारा जो होटल है, एक्चुअली इट इज़ अ अपार्टमेंट. सो मैं अभी टूर करवा दूंगी. जनरली वी डोंट स्टे इन अपार्टमेंट्स बिकॉज अपार्टमेंट्स क्या होते हैं ना, फैमिली के लिए ज़्यादा अच्छा होता है. क्योंकि अपार्टमेंट में क्या होता है कि आपको ड्राइंग रूम भी मिलता है, बेडरूम भी मिलता है, हर चीज़ होता है, काफ़ी बड़ा होता है, इवन किचन भी होता है. तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, सब कुछ अवेलेबल है इसमें, आवाज़ें भी अवेलेबल है. तो चलो इग्नोर करते हैं इनको. अपार्टमेंट एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा लगा, स्पेशली जब फैमिली के साथ आओ तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ ज़रूर आऊँगी दोबारा. इट्स वेरी स्पेशियस, रूम्स कह लो और बेडरूम ड्राइंग रूम सब कुछ इतना स्पेशियस है कि आई रियली लव इट. किचन वाइज भी इतना अच्छा है कि बिल्कुल एकदम माउंटेन व्यू है. जैसे आप कर्टन खोलोगे मैं आपको दिखाती हूँ. So this is the view. So this is the entrance of the room and here it is the drawing room. And यहाँ पे आपको sofas वगैरह available हैं जहाँ पे आप family के साथ बैठ कर chit chat कर सकते हो. And सामने kitchen available है. आप यहाँ पे अगर induction carry करते हो तो आपके लिए बहुत ही awesome है. सो हेयर इज़ द बेड. एक एक्स्ट्रा बेड है आपको प्रोवाइड किया गया है अगर आप फैमिली के साथ आते हो. एंड हेयर इज़ द वॉशरूम. यहाँ पे एक छोटा सा एरिया दे रखा है जहाँ पे आप रेडी हो सकते हो. एंड ये जो वॉशरूम है वो 2 तरफ से अटैच है, इस रूम से भी और अंदर मेन रूम से भी.
एंड दिस इज़ आवर बेडरूम जो बहुत ही क्लीन था, और ये इसका जो बाहर का जो व्यू था वो बहुत ही ऑसम था। एंड दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट, और हमने ब्रेकफास्ट में आलू पूरी और परांठा ऑर्डर किया, एंड दोज वर यम्मी एंड आई जस्ट लव्ड इट। सो दिस इज़ आवर बालकनी एंड ही इज़ द पर्सन। हाँ जी पंकज जी, मुझे क्या पूछेंगे? कुछ नहीं, कैसा लग रहा है आपको ये बालकनी में बैठे आप मज़े ले रहे हो? देखो कैसी हवा चल रही है, बगल में ऐसे पहाड़ है। कैन यू बिलीव इट? एक मूवी आई थी कोई मिल गया, शूटिंग लगी थी पूरी मूवी। हाँ कोई मिल गया, वो नहीं था, कुछ कुछ होता गया था। अच्छा कोई मिल गया तो जहाँ पे होगे ना वहाँ देखने चलेंगे। ठीक है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, मुझे ऐसे इतना सूदिंग सा लग रहा है। वाओ, 9 आवर शिफ्ट, वो सब चीज़ों से दूर आके मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है ना अभी। सो काम, वैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, आई एम सो रिलैक्स्ड। पहले बहुत बार सोचा था हम कसौली आएंगे घूमेंगे, एक बार आए भी बट हम नहीं घूमे। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या है करने को। मिलते हैं थोड़ी देर में शाम को, बाय। Much later. तो वी रीच इन माल रोड इन कसौली, और यहाँ का मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मतलब हर जगह धुंध धुंध है। मैं दिखाती हूँ आपको, इतना प्यारा मौसम हो रहा है। और हम अभी पहुँचे हैं, अभी 7:30 हो रहे हैं, और एज पर दी इंफॉर्मेशन की 8-8:30 बजे तक ये खुली होती है, और ये तिब्बत मार्केट है। आप जरा फोकस करिए यहाँ। तो हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं क्या है, कोई कैफे से मिलेगा तो वहाँ चलेंगे। एंड लेट्स सी, आज वैसे भी भीड़ भाड़ बहुत कम है बिकॉज हम वीकडेज में आए हैं, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप फ्राइडे सैटरडे संडे आओ तो आपको बहुत भीड़ मिलने वाली है। तो लेट्स एक्सप्लोर इट एंड एंजॉय। मेरे ध्यान से हॉकी हॉकी इसी को ना, पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था और इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया, और जिस दिन किया उस दिन नेक्स्ट डे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीत लिया। इसके बाद हम एक कैफ़े गए जो कि एक ओल्ड कैफ़े के नाम से फेमस था। सो अंदर जाते ही बिल्कुल ऐसे 60s की वाइब आ रही थी बिकॉज ऑफ द पिक्स जो भी वॉल पे लगा रखे थे, एंड इट वाज जस्ट ऑसम एक्सपीरियंस। सो
यार ये बिल्कुल नज़ारा बिल्कुल अलग है यहाँ का, क्योंकि आज ये वीकडेज में हम लोग आए और 8:30 हो रहे हैं तो बिल्कुल खाली हो गया। तो ये पार्किंग जो खाली सी दिख रही है ये ऐसे हो रही रहती है। मैंने सिर्फ बोला सो, जैसे कैमरा मैंने ऑन करा इंसान शुरू। अच्छा हमें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, हम लेट आए हैं, बट स्टिल द वेदर इज वेरी सेक्सी हियर। लेकिन जो नज़ारे थे ना वो आपको दिन में मिलते, एटलीस्ट 5 बजे भी आ जाते ना तब भी बेटर था। Next morning. Good morning. So I have taken bath and but I haven't slept whole night. I think बहुत लोग रिलेट कर सकते होंगे कि नई जगह होती है ना तो वहाँ पे नींद नहीं आती है, तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा पंगा रहता है कि मुझे मतलब जब तक वो शांति नहीं मिलती ना, अपने अपना बेड अपना ही बेड होता है। आज प्लान था कि टॉय ट्रेन में जाना है, तो टॉय ट्रेन के बारे में सुना ही होगा, शिमला से जाती है, तो शिमला जाना इज़ नॉट वर्थ, क्योंकि शिमला जाने के लिए 5 घंटे चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। और आफ्टर दिस वी ट्राइड एंड हम स्टेशन भी पहुँचे, बट ड्यू टू कोविड बहुत ही लिमिटेड टाइम स्लॉट्स थे, सो वी डिसाइडेड टू ड्रॉप द आइडिया एंड वहाँ से हम डायरेक्ट अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ पहुँचे, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।